नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल ऑन टॉप। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी आधार पर राज्यों को अपनी गाइडलाइंस फ्रेम करनी होंगी। स्कूल खोलने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP पहले ही जारी किया जा चुका है। इसमें कोविड से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया गया था। 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये छूट नॉन कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों के लिए है। हालांकि अब भी स्कूल कब से खोले जाएंगे वो तारीख राज्य सरकारों को तय करनी है। अब स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय की क्या गाइडलाइंस है आपको ये बताते हैं एक एक करके। पहली बात, स्कूल खोलने का फैसला स्कूल प्रबंधन से बातचीत के बाद लिया जाएगा। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर अगर स्टूडेंट स्कूलों के बजाय ऑनलाइन क्लास करना पसंद करते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। स्टूडेंट्स अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल जा सकते हैं और स्टूडेंट्स पर अटेंडेंस को लेकर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग की SOP के आधार पर राज्यों को अपनी SOP तैयार करनी होगी। हायर एजुकेशन में सिर्फ रिसर्च स्कॉलर्स यानी PhD और PG के वो स्टूडेंट्स जिन्हें लैब में काम करना पड़ता है उनके लिए ही संस्थान खोले जाएंगे। इसमें भी केंद्र से एफिलिएटेड संस्थानों में हेड की सहमति जरूरी होगी। राज्यों के विश्वविद्यालय या प्राइवेट विश्वविद्यालय अपने यहाँ की स्थानीय गाइडलाइंस के हिसाब से खुल सकते हैं। इससे पहले अनलॉक 5 की प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने सिनेमा घरों, स्विमिंग पूल्स और एंटरटेनमेंट पार्क्स आदि को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों में कई क्षेत्रों में काफी हद तक रियायतें दी थीं, जिसके बाद अब स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। बाकी ये खबर देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो इन तमाम बातों को जानकर तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।